हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्ट गैलरी। आज के इस वीडियो में एक सिंपल सी मधुबनी पेंटिंग सीखने वाले हैं। तो कैसे बनाना है और क्या करना है, वीडियो में मैं डिटेल में सब समझाने वाली हूँ। सबसे पहले आप एक ड्राइंग शीट ले लीजिए, और जिसमें मैंने देखी यहाँ पे एक हाथी ड्रॉ किया है। तो सिंपल ही मधुबनी का एक लिया है मैंने, एक हाथी ड्रॉ करेंगे। उसके ऊपर एक अच्छा सा पेड़ ड्रॉ करने वाली हूँ मैं। जो भी बिगनर्स है वो भी इसको आसानी से बना सकते हैं। इतने सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और ज़्यादा इतना डिटेलिंग भी नहीं है कि बिगनर्स को इसमें प्रॉब्लम हो। तो अभी सॉरी, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, लेकिन आपको ड्रॉ करने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे टहनी बना रही हूँ पेड़ की। तो वो जो हाथी मैंने ड्रॉ किया था, उसी के पीछे एक बड़ा सा पेड़ बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले इसकी टहनियों को थोड़ा आकार दे देंगे कि किस शेप में आपको ट्री चाहिए, आप कौन से शेप में चाहते हैं वो पहले आप डिसाइड कर लीजिए, उसी तरह उसको शेप देते जाइए। एक रफ पिक्चर बना लीजिए कि आप इस तरह का थोड़ा पेंटिंग चाहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक हाथी किया है, उसके पीछे एक बड़ा सा ट्री ड्रॉ किया है, और ट्री की जो टहनियाँ हैं उसके ऊपर कुछ बर्ड्स ड्रॉ कर दिए हैं। बस इतने ही एलिमेंट्स हमारी पेंटिंग में होंगे, ज़्यादा कोई एलिमेंट का मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। सिंपल सा पेंटिंग है पर कलरफुल, और बहुत ही अच्छे से बनाएंगे हम इसको। सो लेट्स स्टार्ट द कलरिंग गाइस। हमारा पेंसिल वर्क यहाँ पे ख़त्म होता है, और अब हम स्टार्ट करेंगे कलर। तो कलर यहाँ पे आप बहुत ही ब्राइट चूज़ कीजिए, एक्रेलिक कलर लीजिए, और जितने भी ब्राइट कलर्स है आपके पास उसका यूज़ कीजिए। यहाँ पे मैं टहनी से ही स्टार्ट कर रही हूँ, ब्राउन कलर लिया है मैंने, कोई भी ज़्यादा शेडिंग नहीं दी है मैंने यहाँ पे। सिंपल कलर यूज़ किए हैं, जैसे बच्चे करते हैं ना, बिल्कुल बिना शेडिंग का पूरा पेंटिंग है यहाँ पे। एक भी जगह पे मैंने शेड नहीं दिया है, बस कलर को सिर्फ फिलअप किया है। अगर आप ब्राइट्स और अच्छे कलर कॉम्बिनेशन जब चूज़ करते हैं ऐसी सिंपल पेंटिंग में, यकीन मानिए आप शेडिंग नहीं भी देंगे तो आप कलर अपने आप में ही एक दूसरे के साथ मिल के एक अच्छी पेंटिंग रेडी कर देते हैं। सो ये बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इजी है, और बच्चे भी इसको बना सकते हैं। तो सिर्फ माइंड में आइडिया क्रिएट कीजिए कि आप किस तरह की पेंटिंग बनाना चाहते हैं। ये मधुबनी इसलिए है क्योंकि इसमें जो हमने हाथी, बर्ड, ट्री वगैरह जो एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, उनका शेप और मतलब वो जिस तरह से कलरिंग हमने किया है वो सिर्फ मधुबनी की तरह है। उसमें मैं थोड़ा बहुत डिज़ाइन इस तरह का दूंगी जो थोड़ा मधुबनी लगेगा, बाकी ये सब सिंपल ही पेंटिंग है। बर्ड्स में भी सभी ब्राइट कलर यूज़ कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे ब्रश, राउंड ब्रश यूज़ किया है यहाँ पे मैंने, और जैसे भी बड़ा चाहिए छोटा चाहिए आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से ले सकते हैं। ये ज़ीरो साइज सी ब्रश है मेरा। जितने कलर आप ब्राइट इसमें डालोगे बहुत ही अच्छे से उभर के आएंगे। ये ऑप्शनल है, आप ऐसे शेडिंग नहीं देना चाहते हैं तो सिंपल आप कलर भरिए जो भी आपने चूज़ किया है,
दो या तीन कलर में एक बर्ड को रेडी कर दीजिए। स्टार्टिंग में ज़्यादा कलरिंग करने की शेडिंग देने के करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाथी के लिए मैंने यहाँ पे डार्क वाला येलो कलर यूज़ किया है। आप अपने चॉइस से कोई भी कलर इसमें फिलअप कर सकते हैं। छोटा छोटा डेकोरेशन वाला जो वर्क है, आप छोटा वाला राउंड ब्रश यूज़ कीजिए, 00 या 0 साइज़ का, और वो बहुत ही आराम से कीजिए डिटेलिंग वर्क। लीव्स में मैं यहाँ पे डार्क एंड लाइट ऐसे दो कलर में लीव्स को बनाऊंगी। मैं यहाँ पे दूसरा शेडिंग कोटिंग दे रही हूँ, एक सूख जाने के बाद कुछ लीव्स को थोड़ा और डार्क बनाना है। और ये दूसरे कलर से जो बाकी के लीव्स हैं वो फिनिश कर लेंगे हम। सभी लीव्स इसी तरह से हम फिल अप कर लेंगे। ब्रश आप जिस भी साइज में कंफर्टेबल है वो साइज का राउंड ब्रश यूज कीजिए। और अब बारी है बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड कलर चूज़ करना एक सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स हमने बनाए हैं वो सभी पिक्चर अच्छे से निकल के आना वो हमारा बैकग्राउंड ही तय करता है। तो उसको डल भी नहीं दिखा सकते, ना ही इतना डार्क भी नहीं दिखा सकते। सो कलर को अच्छे से चूज़ कीजिए जो आपके पूरे पेंटिंग के साथ अच्छे से जा रहा है। आपका दिमाग, आपका दिल उसको इमेजिन करेगा पहले कि कैसे बन के आएगा। अगर मैं ये कलर चूज़ करूँगी,
कि इसे डालूंगी तो पिक्चर कैसे बन के आएगा वो पहले इमेजिन कीजिए, उसके बाद जाइए। जैसे जैसे नए नए पेंटिंग्स बनाते जाएंगे ना, इमेजिनेशन अपनी बढ़ती जाती है और ऐसे ही हमें आइडिया आता है कि कौन सा कलर कैसे जाएगा। सो सिंपल है, इतना भी मुश्किल नहीं है बैकग्राउंड चूज़ करना। आप बैकग्राउंड में कलर करने के बाद भी ऊपर से ये सारा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए बैकग्राउंड को मैं लास्ट में कर रही हूँ। सो आप अपने हिसाब से जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब हाथ ही में थोड़ी बहुत डिटेलिंग बाकी है जो डिज़ाइन बनानी है वो, अदरवाइज बैकग्राउंड इज कम्प्लीट। आप दो शेड या तीन शेड जितने भी कोडिंग देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैंने एकदम लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर यूज़ किया है बैकग्राउंड के लिए। और अब बारी है एलिफेंट में जो भी थोड़ा बहुत छोटा सा डेकोरेशन बाकी है वो फिनिश करके हम जाएंगे फिनिश लुक में अपने पिक्चर के। कलर्स यहाँ पे देखिए, मैं हर बार कहती हूँ बहुत मैटर करते हैं। आप कलर्स जो भी ब्राइट या एक दूसरे के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं ना, वो ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है मधुबनी में, क्योंकि वहाँ पे सभी ब्राइट कलर ही यूज़ होते हैं। और यहाँ पे जो बाउंड्री में मैंने थोड़ी जगह छोड़ी थी वहाँ पर मैं ब्लैक बॉर्डर से उसको फिलअप कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश लिया है मैंने यहाँ पर ताकि अच्छे से बाउंड्री बन के आए। पिंक कलर के साथ ये ब्लैक बहुत अच्छा जाएगा, फिर भी आप अपने हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से बाउंड्री दे सकते हैं गाइस। और मैंने यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग में बॉर्डर का बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ भी, मतलब उसमें भी बहुत सारी अच्छी डेकोरेशन डिज़ाइंस छोटी छोटी होती है। यहाँ पे मैंने स्किप किया है, मैंने नहीं किया है, मैंने बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल बेसिक पेंटिंग दिखाया है कि बिगनर्स और आप बच्चे कोई भी इसको बना सकता है। ऐसे ही मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। आप वो बाउंड्री इसको जो अभी मैंने बताई है उससे भी ज़्यादा छोड़ के उसमें भी बहुत अच्छी छोटी छोटी डिज़ाइन के साथ उसको फिलअप करके पेंटिंग बना सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी गाइस। यहाँ मैं सिंपल मार्कर यूज़ कर रही हूँ जिससे इसको बाउंड्री दे रही हूँ और थोड़ा बहुत हाईलाइट कर रही हूँ। आप इसके लिए एक्रेलिक कलर या कोई भी इंक का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी बिगनर्स है, स्टार्टिंग में जब काप करते हैं तब ये मार्कर से ही अच्छा रहेगा, हैंडी रहेगा और अच्छे से स्पीड में काम हो सकता है जब आप बिगनर हैं। जैसे जैसे आप प्रोफेशन में आएंगे आप ये काम ब्रश से भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। देखिए इस तरह से लीव्स में भी मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत पैटर्न बनाती हूँ। एक्चुअली मधुबनी में ऐसे छोटे 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 डिज़ाइंस पूरे पेंटिंग में रहते हैं, जैसे बर्ड्स है ये टहनी है, तो ये सब ऐसे प्लेन नहीं रहते हैं। बाद में उसके अंदर थोड़े बहुत आर्टवर्क या ऐसी पैटर्न्स को बना के ही हम उसको मधुबनी को कंप्लीट करते हैं। जैसे बैकग्राउंड हो गया, एलिफेंट हो गया, बर्ड्स है, ट्री की जो टहनी है, लीव्स है, सब में कलर्स होने के बाद ये जो डिज़ाइन है
वो ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मधुबनी का, कि उससे उसको फिलअप किया जाता है, उसकी बाउंड्री को भी बहुत अच्छे से पैटर्न के साथ पूरा भर के बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे मेरा वर्क ख़त्म कर रही हूँ, इतना ही मैंने बताया है बहुत सिंपल तरीके से। सो मुझे लगता है कि सबने एंजॉय किया होगा। जो भी गाइस मेरी चैनल पे नई विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्त जो भी इंटरेस्टेड है पेंटिंग में उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।